आज हम पेपर फोर्थ बी में करेंगे रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। कि जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है इसको हमने स्कूल करिकुलम में क्यों जगह दी है, क्या इसका रोल है, क्या इसकी प्लेसमेंट है। कल लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि डिसिप्लिनरी नॉलेज का क्या मतलब है, डोमेन ऑफ नॉलेज क्या होती है, ठीक है, स्कूल करिकुलम बेसिकली क्या होता है। ठीक है, कल हमने इसके डिफरेंट टर्म्स पढ़ी थी। अगर जो बच्चा कल एब्सेंट था तो वो इसके रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है, ठीक है, वहाँ से आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। आज हम करेंगे कि क्यों, क्या रोल रहेगा स्कूल करिकुलम में। आप लोग स्कूल करिकुलम से पता है स्कूल करिकुलम क्या होता है, कि जो चीज़ हमारे को स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है, हर एक क्लास का करिकुलम अलग रखा जाता है, ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंगली होता है, उनकी एज के अकॉर्डिंग होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो नॉलेज को हमने स्कूल करिकुलम में क्यों रखा है, एकेडमिक डिसिप्लिन्स को, एकेडमिक वैल्यू जो नॉलेज है उसको हमने स्कूल करिकुलम में क्यों रखा है, मंदिर में क्यों नहीं रखा, गुरुद्वारे में क्यों नहीं रखा, ठीक है, वहाँ से भी तो हम लोग सीखते हैं ना, तो यहाँ से हम स्कूल्स में क्या हम सीखेंगे, हम वो बात करेंगे। पहला है टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम टू इम्प्रूव द एजुकेशन। जो शिक्षा आज हम ले रहे हैं हमने उसको इम्प्रूव करना है। कहीं ना कहीं हमें इसके डिफेक्ट्स लगते हैं ना, लगते हैं ना कि इसकी जगह ये टॉपिक होता या डेप्थ में ज़्यादा होता तो और अच्छे से हो जाता, होता है ना ऐसा। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी एजुकेशन को और डिवेल्प करना है। और एजुकेशन डिवेल्प कब होएगी, जब उसमें और रिसर्च होती रहेगी, रिसर्चर्स उसके अंदर अपना और ज्ञान भरते रहेंगे। अगर डिसिप्लिनरी नॉलेज स्कूल करिकुलम में नहीं होती या ट्रांसमिट होके हम तक नहीं आई होती तो हम लोग आज भी क्या होते, अर्ली मैन होते। अर्ली मैन से आज तक के मैन का जो हम लोगों ने सफ़र किया है, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इसीलिए हमने क्या किया है, डिसिप्लिनरी नॉलेज को हमने स्कूल करिकुलम में जगह दी है। देन हम बात करेंगे आगे कि टू अचीव नेशनल स्टैंडर्ड्स। कि आपको पता है कि हर साल हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बच्चों का रिकॉर्ड चढ़ते हैं कि कितने बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं, कितने बच्चे स्किलफुल हो गए हैं। अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी की या पर्टिकुलर किसी साइट खोलो ना तो वहाँ पर डाटा मेंशन होता है। तो हमें अपना नेशनल स्टैंडर्ड भी अचीव करना है कि कितने बच्चों ने स्कूल करिकुलम पास कर लिया है, कितने बच्चों ने पर्टिकुलर, सरकार के पास डाटा रहता है कि कितने बच्चे क्लास फिफ्थ में अपीयर हुए हैं और कितने बच्चे क्लास फिफ्थ में पास हुए हैं। जितने बच्चे अपीयर होंगे उतने बच्चे पास होंगे, या दोनों में डिफरेंस रहेगा, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अपीयरिंग हो सकता है कि 100 बच्चे हों लेकिन पास 80 हों या 85 हों, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना। तो जितने बच्चे ज़्यादा पास होंगे नेशनल स्टैंडर्ड जो है उतना इंक्रीज होगा। उसको हम एवरेज कर लेते हैं कि कितने स्कूल हैं हमारे पास, गवर्नमेंट के पास कितने सेक्टर हैं, कितने सब कुछ हम उसको इकट्ठा करके हम लास्ट में क्या करेंगे, नेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हम अचीव करेंगे। उसके बाद डेवलप द स्पेशलिस्ट। डिसिप्लिन की फर्स्ट क्वालिटी क्या थी, कब किस सब्जेक्ट को हम डिसिप्लिन का नाम देंगे, जब उसमें रिसर्चर्स क्या होंगे, ऐड ऑन होंगे। तो रिसर्चर्स कौन है, स्पेशलिस्ट हैं, कि हमारा साथ साथ काम एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, साथ साथ एजुकेटर्स को भी इम्प्रूव करना है। एजुकेटर्स कब इम्प्रूव होंगे, जब वो अपनी ट्रेनिंग करते रहेंगे। और ये नहीं है कि अब हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं हम आगे नहीं पढ़ रहे, हम भी आगे पढ़ रहे हैं, हम भी आगे अपने किसी एक चीज़ में मास्टरी कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, रिसर्चर बन रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, प्लस रिसर्चर्स को भी हमने वहाँ पर डेवलप करना है। देन है मेंटल ट्रेनिंग, कौन बताएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक हेडिंग है, क्या होता क्या है मेंटल ट्रेनिंग, इसकी हिंदी में बता दूँ, तुम बता दोगे फिर। मानसिक प्रशिक्षण में सहायक, कि मानसिक प्रशिक्षण
कब मिलता है। मैं दो बच्चों को कंपेयर कर रही हूँ, एक बच्चा तो कभी स्कूल में नहीं गया और एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो किसको एज्यूम करेंगे कि किसकी मेंटल पावर्स बढ़ी हुई होंगी, तो क्या डिफरेंस है। बच्चा तो दोनों सेम क्लास सेम एज का ही है, तो ऐसा क्या स्कूल में मिलता है उनको कि उनकी मेंटल ट्रेनिंग मिलती है। क्यों आप लोगों ने बच्चे उस बच्चे को चूज़ किया कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या कारण था। एजुकेशन दी जाती है, कई बार हम आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, आप उससे सॉल्व करते हो। जब हमें कहीं पर भी किसी तरीके की कोई हर्डल मिलती है, प्रॉब्लम मिलती है और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मींस कि हमारा जो माइंड है वो चलना शुरू हो जाता है, वो अलग तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये नहीं है कि वो बच्चा उस चीज़ को करने के एबल नहीं है, एबल है, बट उसके अंदर वो स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुई हैं कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जब उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, उसको मेंटल ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई है, मानसिक तौर से उसको स्कूल्स में टीचर्स याद करने के लिए दे रहे हैं, समझाने के लिए दे रहे हैं, तो सारा काम किसका होगा, माइंड का होगा ना। तो उस टाइम ट्रेनिंग किसको मिल रही है, हमारे माइंड को, ठीक है। देन है हमारे पास ब्रॉडनिंग द मेंटल होरिजोन्स, सेम इसी से लिंक है कि मेंटल होरिजोन्स क्या होगा कि हमारे दिमाग के कई रास्ते खोल देता है, ठीक है। हम साइंस की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं, हम ड्राइंग में भी अच्छे हैं, हम मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, हम इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, एक टाइम में क्या हो रहा है हमारे अलग अलग, जब हम डांस भी कर पा रहे हैं तो डांस करना अलग स्किल है, इंग्लिश बोलना अलग स्किल है, तो एक टाइम में दो होरिजोन्स में हम परफेक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेम टाइम में ही क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल करिकुलम कर रहा है, तो उसकी बहुत सारी मेंटल होरिजोन्स ओपन हो जाती हैं, उसको कई तरीके, कई इंटरेस्ट मिल जाते हैं कि वो किन किन जगह से वो अपने आप को स्पेशलाइज कर सकता है या किसको अपना प्रोफेशन वो चूज़ कर सकता है, तो उसके दिमाग के जो सारे के सारे जो खाने हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। देन डेवलपिंग द पावर टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, अभी हम वही बात करते कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्कूल टाइम में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाते हो, टीचर्स के पास, बट घर में टीचर्स अवेलेबल नहीं है या स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं है, तब कहाँ जाओगे। या कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके पास तीन पर्सन है कि आपको, आपके पास आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या गली में चलता हुआ कोई भी पर्सन है उसी एज का या आपके टीचर्स हैं, तो आप तीनों में से किसको चूज़ करोगे। सबसे पहले आप अपने टीचर को ही देखोगे, अगर एकेडमिक प्रॉब्लम है तो, ठीक है, अगर कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है तो पहले आप अपने टीचर को देखोगे, चाहे टीचर स्कूल का है या आपका ट्यूटर है या आपका कोई आपको बड़ा भाई या बहन पढ़ा रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, टीचर का रोल प्ले कर रहा है, तो आप पहले किसके पास जाओगे, टीचर के पास ही जाओगे ना। तो इसी से हम यही बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी हमारे को मिलती है। हम बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम से हम लोग फेस करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम किसके पास जाएंगे कि जो परफेक्ट बंदा है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी करते हैं और ख़ुद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चलो अब हमारी थी, हम बड़े हैं, लेकिन आप छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व इजीली कर सकते हो ना, क्योंकि हम कई बार घर के भी कहते हैं ना, इतनी बड़ी हो गई, इतना पढ़ लिया, इतना काम नहीं कर सकती, बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स को, स्कूल गोइंग बच्चों की प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर वो पावर जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव वैल्यू, कुछ भी अगर आपको पढ़ाया जा रहा है कि मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर करिकुलम के अंदर कोई भी नॉलेज देने का मतलब क्या है कि वहाँ पर हम आपकी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेटिव वैल्यू जो है, कल्चरल वैल्यू होती हैं ऐसी, हमारी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वैल्यूज हैं, वो आपकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। देन डेवलप द इनसाइट, शायद पहले सुना हुआ वर्ड, इनसाइट वर्ड सुना हुआ है, क्या होता है, हाँ
हम अपने अंदर भी झांक कर देख सकते हैं, हमारे अंतर की जो सूझबूझ है हम इसको बोल सकते हैं कि इनसाइट डेवलप हो रही है। वही अभी हम बोल रहे थे कि आपके अंदर पावर आ गई है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो पावर आई कहाँ से है? अब सारी बातें तो हमें याद नहीं रहती, कुछ बातें हमारे अंदर भी होती है ना कि एक्सपीरियंस से आ जाती हैं, या देख के हम कई बार, जैसे कई बार छोटा बच्चा पूछता है कि किस हाथ में गोली है, पूछता है ना, आप कौन सा कोई उसके ऊपर पहले रिसर्च करते हो या उसके हाथ ऐसे से खोल कर देखते हो, कोई चीज़ होती है कि आपको देखते ही समझ में आ जाती है। दैट टाइम क्या है कि आप अपनी इनसाइट वैल्यूज को चेक करो। ये एग्जाम्पल था कि बहुत माइनर सा एग्जाम्पल था, फिर वो बच्चा पूछता भी है आपको कैसे पता चला, फिर आप बड़े खुश हो जाते हो कि हाँ ये तो रोज़ का ही काम है। तो वो रोज़ का काम नहीं है, वो आपकी इनसाइट है, वो आपका एक्सपीरियंस है, आप उस फेज से गुजर के जा चुके हो। तो एजुकेशन से क्या होगा, आपकी इनसाइट जो है डेवलप होगी, आपकी सूझबूझ की शक्तियाँ जो हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी। देन आ रहा है प्रोवाइड रिच एक्सपीरियंसेस। जितना हम अकेडमिक नॉलेज को लेते रहेंगे हमारे एक्सपीरियंसेस उतने बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे रिच का मतलब अमीर नहीं है, ज़्यादा से है, ठीक है। देन है डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? साइंटिफिक एटीट्यूड से क्या मतलब है? एटीट्यूड क्या होगा? एटीट्यूड वर्ड तो सुना है बहुत बार, क्या होता है? हिंदी है इसकी दृष्टिकोण। क्या है इसका मतलब? दृष्टिकोण कि आप किसी चीज़ को देख कैसे रहे हो, किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड, ठीक है। अब एजुकेशन से क्या होगा, आपका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। जो पर्सन कभी स्कूल नहीं गया या जिसने कभी कॉलेज की लाइफ नहीं देखी, उसको आप कुछ भी कह दो वो बिलीव कर लेता है, कर लेता है ना। बट आप लोग पहले प्रूफ मांगते हो, कहाँ लिखा है, किसने बोला है, नॉर्मल से हम बोलते हैं ना। तब ये चीज़ क्या है कि आप किसी भी बात पर फेथ नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, आप पढ़ सकते हो, आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, आपके अंदर साइंटिफिक वैल्यूज़ का पता है, एटीट्यूड कैसा आ रहा है आपके अंदर, साइंटिफिक आ रहा है कि हम ऐसी किसी बात पे फेथ नहीं करेंगे। हम कोई भी समय आप उसको प्रॉपर एक स्टेप में सोल्व करके देखोगे ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या है, आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो डिवेल्प करना है। बच्चों के अंदर साइंटिफिक जो है एटीट्यूड डिवेल्प करना है, तभी हम उनको स्कूल भेजते हैं, तभी हम उनको पढ़ाते हैं, तभी वो बच्चे स्कूल करिकुलम पास करते हैं। उसके बाद है टू डिवेल्प द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। तो बहुत सिंपल सा है, तुम में से कोई बता दो। तो हम उसी स्ट्रीम में आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा साइंस में अच्छा है तो हम उसको एडवाइस देते हैं कि आप साइंस ले लो। तो जो बच्चे की इच्छा है, जिस तरफ वो जाना चाहता है, एजुकेशन ये नहीं है कि लिमिटेड नहीं है कि आप यहीं तक पढ़ोगे बस, नहीं, आपकी जितनी उड़ान आप भर सकते हो एजुकेशन आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी वो उड़ान भरो और पूरा करो। जितनी भी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं, स्कूल करिकुलम तक रहता है कि पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाए, वो सब आपको वहाँ पर स्कूल करिकुलम के अंदर मिलता है। उसके बाद टू डिवेल्प डिसिप्लिन। अब यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अनुशासन। स्कूल के अंदर आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठना होता है, लाइन में ही आप लोग आओगे, लाइन से बैठना, असेंबली टाइम पे होगी, रिसेस टाइम पे होगी, सारा कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा, फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर। सिलेबस भी फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक, फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक। ये नहीं है कि रैंडमली टीचर कुछ भी उठा लेगा, कुछ भी पढ़ा देगा, नहीं। जब स्कूल करिकुलम की बात आएगी तो फुल डिसिप्लिन मेंटेन होगा, पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, स्कूल आने में भी और स्कूल से जाने में, ठीक है। टू डेवलप द स्किल्स। अब स्कूल का क्या मतलब है?
अभी हमने पहले भी एग्जांपल लिया कि बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स को सिखाना, अच्छे से वो बच्चे बोल पाएँ, लिख पाएँ, सुना पाएँ, ठीक है, ये सारी स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ठीक है, तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो बच्चों में हमने डेवलप करनी है, तभी जो है एकेडमिक नॉलेज को स्कूल करिकुलम के अंदर रखा गया है।